पिछले साल मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर एक तस्वीर सामने आई थी। उसमें नेताजी के एक तरफ अखिलेश थे तो दूसरी तरफ डिंपल। समर्थकों की नारेबाजी से उत्साहित होकर जब बीमार मुलायम सिंह आगे बढ़े तो थोड़ा लड़खड़ाए। उन्हें सहारा दिया डिंपल ने। आज वही डिंपल सपा के गढ़ मैनपुरी में पार्टी को संजीवनी देती दिख रही हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच वोटों की गिनती शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। हर राउंड में जीत का मार्जिन बढ़ता ही चला गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा के गढ़ में धमक बनाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली थी। शाह को वोटर्स को लुभाने के लिए कभी मुलायम शिवपाल के खास रहे रघुराज शाह को उम्मीदवार बना दिया। इलाके में शाह वोटर्स की मजबूत स्थिति को देखते हुए इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, लेकिन अखिलेश ने पहले डिंपल को आगे किया और फिर शिवपाल को प्रचार की कमान देकर चक्रव्यूह रच दी। बीजेपी कई बार इस चक्रव्यूह को भेदती नजर आई। सपा बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। शिवपाल और अखिलेश के पुराने मतभेद को हवाला दिया गया। रघुराज शाक और मुलायम सिंह यादव के रिश्तों को नए सिरे से जनता के सामने पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन चुनाव नतीजे इन सब से अलग रहे। डिंपल यादव ने जिस तरह से पार्टी को पेश किया, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की, खुद को मैनपुरी की बहू बताया, डोर टू डोर कैंपेन की, वो लीडिंग मोमेंट के तौर पर देखा गया। शिवपाल ने पुराने मतभेदों को भुलाकर जिस तरह से कभी मंच से तलवार लहराई तो कभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और अखिलेश को छोटे नेता कहकर पुकारा, वो समीकरण को पूरी तरह से बदलने वाला दिखा। अखिलेश यादव भी आजमगढ़ की गलतियों से सबक लेते दिखे। उन्होंने सबसे पहले तो परिवार को एक किया, फिर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और फिर डोर टू डोर कैंपेन के लिए उतर गए। पार्टी के पास कैडर तो पहले से ही थे, लेकिन 2022 विधानसभा और फिर उपचुनाव में मिली हार के बाद जो उनका उत्साह थमा था उसे फिर बढ़ा दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने मैनपुरी में पूरी ताकत झोंक दी और पहली बार ऐसा लगा कि विपक्ष ने मैच फंसा दिया। बीजेपी ने शाह के वोटर्स और अन्य ओबीसी वोटर्स को जिस तरह से साध लिया था उससे एक बार फिर चुनाव फंसता हुआ नजर आया, लेकिन चुनावी परिणाम ने यह साबित कर दिया कि मुलायम सिंह यादव ने जमीन बनाई है वो अब भी फसल देने वाली है।